नमस्कार, मैं गौरव आप सभी का जी गुरुकुल में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग क्लास टेंथ के फिजिक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज लाइट आज हम लोग कवर करने वाले हैं। आज हम लोग लाइट के कंप्लीट कॉन्सेप्ट हम लोग एक ही क्लास में, एक ही लेक्चर में हम लोग आज कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आते हैं टॉपिक पर, दैट इज लाइट। यानी आज हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं लाइट के सारे कॉन्सेप्ट को। ठीक है, देखिए सबसे पहले बात आती है कि भाई लाइट होता क्या है। ठीक है, लाइट क्या होता है, तो लाइट से भी पहले हम लोग कुछ बारीकियों पे देख लेते हैं, कुछ बेसिक चीजों पर जान लेते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग को पता है कि हम लोग जो है साइंस स्टडी कर रहे हैं। अच्छा, साइंस में हम लोग क्या स्टडी कर रहे हैं, साइंस में हम लोग स्टडी कर रहे हैं फिजिक्स। अच्छा, हमने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि भाई फिजिक्स के बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं। ठीक है, फिजिक्स के बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं। ठीक है, उनमें से एक जो ब्रांच होता है जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं, दैट इज ऑप्टिक्स। यानी हम लोग क्या स्टडी कर रहे हैं, हम लोग ऑप्टिक्स स्टडी कर रहे हैं। ऑल ओके। अच्छा, ऑप्टिक्स क्या होता है, तो थोड़ा बहुत इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। ऑप्टिक जो है ये ऑप्टिक वर्ड से आया हुआ है, और ऑप्टिक का मतलब होता है विजन यानी दृष्टि। ठीक है, विजन यानी क्या चीज, दृष्टि। यानी आप ऐसे बोल सकते हो कि दृष्टि तभी आएगी जब आप लाइट के बारे में डिस्कस करोगे, है कि नहीं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई ऑप्टिक्स क्या होता है, एक ऐसा ब्रांच होता है। ठीक है, ऑप्टिक्स क्या होता है, एक ऐसा ब्रांच होता है। किसका ब्रांच होता है, तो फिजिक्स का ब्रांच होता है। ठीक है, जिसमें हम लोग किसके बारे में डील करते हैं, जिसमें हम लोग लाइट के बारे में डील करते हैं। और ओके, जिसमें हम लोग लाइट के बारे में क्या करते हैं, डील करते हैं, कंप्लीट नॉलेज गेन करते हैं। और ओके, अच्छा अब देखो ये जो ऑप्टिक्स है आपका, ठीक है, ये जो ऑप्टिक्स हमने आपको बताया कि भाई ऑप्टिक्स क्या होता है, हमने आपको समझा दिया कि भाई एक ऐसा ब्रांच होता है फिजिक्स का जिसमें हम लोग लाइट के कंप्लीट लाइट के बारे में नॉलेज गेन करते हैं। ठीक है, ये जो ऑप्टिक्स है आपका, ठीक है, इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक होता है आपका क्लासिकल ऑप्टिक्स, याद रखिएगा, एक जो ऑप्टिक्स होता है जिसका नाम है क्लासिकल ऑप्टिक्स। और ओके ना, और जो दूसरा होता है आपका, जिसको हम लोग बोलते हैं मॉडर्न ऑप्टिक्स। ठीक है, आप इसको ऐसे बोलो कि भाई जो ऑप्टिक्स है यानी जो लाइट की जो स्टडी है, इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक पुराना वाला और एक नया वाला। ठीक है, यानी क्लासिकल मान लो कि पुराना वाला और ये हो गया नया वाला। ठीक है, मॉडर्न ऑप्टिक्स में आता है क्वांटम ऑप्टिक्स, याद रखिएगा, मॉडर्न ऑप्टिक्स में आता है कौन सा ऑप्टिक्स, क्वांटम ऑप्टिक्स। ठीक है, और जो क्लासिकल ऑप्टिक्स आता है, ठीक है, क्लासिकल ऑप्टिक्स में आता है आपका रे ऑप्टिक्स, यानी जो हमने पढ़ना है, जो हमारा टेंथ का सिलेबस है वो क्या है, रे ऑप्टिक्स। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं। ठीक है, हम लोग लाइट के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली क्या बोलेंगे हम लोग कि भाई हम लोग लाइट पढ़ रहे हैं, नहीं, हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई हम लोग रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि भाई ऑप्टिक्स के दो ब्रांचेज होते हैं, एक होते हैं क्लासिकल ऑप्टिक्स, दूसरा मॉडर्न ऑप्टिक्स। और क्लासिकल ऑप्टिक्स के दो पार्ट होते हैं, एक होता है रे ऑप्टिक्स और दूसरा क्या होता है, वेव ऑप्टिक्स। याद रखिएगा, दो ब्रांचेज होते हैं, कौन कौन सा, एक रे ऑप्टिक्स, दूसरा क्या चाहिए, वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, हम लोग को पढ़ना क्या है, हमको पढ़ना है रे ऑप्टिक्स, याद रखिएगा, रे ऑप्टिक्स। और एक बात और, ये जो रे ऑप्टिक्स है इसको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कहा जाता है, याद रखिएगा, ये जो रे ऑप्टिक्स है इसको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कहा जाता है। यानी जो हमारा सिलेबस है, जो हमारा क्लास 10 का जो सिलेबस है, वो कंप्लीट रे ऑप्टिक्स है। ऑल ओके ना। ठीक है, तो देखिए अभी हमने क्या जाना, अभी हमने जाना कि भाई हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं लाइट, लेकिन लाइट बोलना सही नहीं रहेगा, हम लोग क्या बोलेंगे, ऑप्टिक्स। और सही क्या होगा, तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई हम लोग रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं या हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं। ऑल ओके ना। अच्छा, अब बात आती है कि भाई रे ऑप्टिक्स या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स होता क्या है। ठीक है, तो हम लोग इसको सिंपल तरीके से बता सकते हैं। ठीक है, क्या बता सकते हैं हम लोग, कि अगर हम लोग, ठीक है, अगर हम लोग पार्टिकल नेचर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम लोग लाइट के, देखिए आपको पता होगा, क्या पता होगा आपको, कि भाई जो लाइट होता है, ठीक है, जो लाइट होता है इसके ड्यूअल नेचर होता है, याद रखिएगा, लाइट का आपका ड्यूअल नेचर होता है, यानी दो दो नेचर होता है इसका। ठीक है, लाइट के ड्यूअल नेचर होते हैं, यानी इसका दो नेचर होता है। ठीक है, यानी लाइट जो है आपका, ये पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है और ये वेव की तरह भी क्या करता है, बिहेव करता है। सिंपल सी बात है, लाइट जो है आपका, ये पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है और ये वेव की तरह भी बिहेव करता है। तो रे ऑप्टिक्स में हम लोग कौन सा बिहेवियर पढ़ते हैं, हम लोग पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के बारे में स्टडी करते हैं। याद रखिएगा कि भाई रे ऑप्टिक्स क्या होता है, तो आपको बताना है कि भाई रे ऑप्टिक्स, ठीक है, एक ब्रांच होता है। किसका ब्रांच होता है, तो भाई ऑप्टिक्स का ब्रांच होता है, जिसमें हम लोग
जिसमें हम लोग पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के बारे में क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, ठीक है। जबकि वेव ऑप्टिक्स में हम लोग वेव नेचर के बारे में डिस्कस करते हैं, याद रखिएगा वेव ऑप्टिक्स में हम लोग वेव नेचर के बारे में हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, हम लोग बात करते हैं। ऑल ओके, तो हमने समझ लिया, ठीक है, क्या समझ लिया, हमने ऑप्टिक्स समझ लिया, हमने रे ऑप्टिक्स समझ लिया और हमने वेव ऑप्टिक्स समझ लिया, ठीक है। और हमको पढ़ना क्या है, याद रखिएगा हमने जो है रे ऑप्टिक्स पढ़ना है। ऑल ओके ना, अब हमको बात समझनी होगी कि भाई हमको रे ऑप्टिक्स में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। रे ऑप्टिक्स तो हमने पढ़ना है, ठीक है, लेकिन रे ऑप्टिक्स में हमको क्या क्या पढ़ना है अब हमको वो समझना होगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बेसिक नॉलेज गेन कर लिया जाए, किसके बारे में, लाइट के बारे में, कि भाई लाइट होता क्या है कि नहीं। चलिए थोड़ा सा लाइट के बारे में जान लिया जाए, फिर आगे प्रोसीड किया जाए। देखिए सबसे पहला कॉन्सेप्ट, सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट, लाइट क्या होता है भाई, तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी द ऑब्जेक्ट। सही बात है, ठीक है, सिंपल सा बात है कि भाई लाइट क्या होता है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है ना, दैट गिव अस सेंसेशन ऑफ विजन, जिसके चलते हम लोग किसी चीज को देख पाते हैं, ठीक है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, लाइट इटसेल्फ इज इनविजिबल, लाइट इटसेल्फ जो होता है वो इनविजिबल होता है, यानी खुद वो दिखता नहीं है बट मेक्स एन ऑब्जेक्ट विजिबल। याद रखिएगा लाइट इटसेल्फ इनविजिबल, ठीक है, बट मेक्स ऑब्जेक्ट व्हाट विजिबल। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा कि लाइट खुद नहीं दिखता है लेकिन लाइट के चलते हम लोग किसी चीज को देख पाते हैं, ठीक है। तो पहला सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको याद रख लेना है, क्या भाई, कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल अस टू सी द कलरफुल वर्ल्ड अराउंड अस, ठीक है, चाहे गिव अस सेंसेशन ऑफ विजन, जिसके चलते हम लोग देख पाते हैं, लेकिन लाइट खुद नहीं दिखता है, लाइट इटसेल्फ इनविजिबल होता है बट मेक्स एन ऑब्जेक्ट विजिबल। ऑल ओके, फर्स्ट पॉइंट क्लियर। चलिए सेकंड, ठीक है, सेकंड पॉइंट, लेकिन सेकंड पॉइंट डिस्कस करने से पहले, सेकंड पॉइंट डिस्कस करने से पहले एक और पॉइंट हम यहाँ पे आपको ऐड करना चाहेंगे, आपको बताना चाहेंगे, ठीक है, क्या, देखिए लाइट जो है, ठीक है, लाइट जो है एक आपका एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये सबसे सही सटीक डेफिनेशन है ये, और यही आपको बताना है। क्या होता है लाइट भाई, तो लाइट इज एन, याद रखिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फिर से लाइट क्या होता है, तो लाइट जो होता है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, और यही डेफिनेशन आपको बताना है, ठीक है, सिंपल सा सबसे अच्छा डेफिनेशन है लाइट क्या होता है, तो लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, हैविंग वेवलेंथ, अब वेव है तो भाई उसका वेवलेंथ होगा, है कि नहीं, हैविंग कितना वेवलेंथ, ठीक है, उसका वेवलेंथ होता है 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर, याद रखिएगा उसका जो वेवलेंथ होता है वो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर उसका क्या होता है, वेवलेंथ होता है, ठीक है। फिर से लाइट क्या होता है, तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है जिसका वेवलेंथ, ठीक है, हैविंग वेवलेंथ कितना 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक उसका क्या होता है, वेवलेंथ होता है, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे एक प्रश्न आ गया कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, ठीक है। तो आपको ये समझ आ गया होगा भाई लाइट क्या होता है, तो सिंपल सा डेफिनेशन, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसके चलते हम लोग किसी चीज को देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा दूसरा हमने आपको क्या बताया कि भाई लाइट क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, एक वेव है, आप सिंपल समझ लो एक वेव है, ठीक है। अच्छा, कौन सा वेव है, तो आपको बताना है कि भाई ट्रांसवर्स वेव है, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है, क्या पढ़ा होगा कि भाई वेव दो तरह के होते हैं, ठीक है, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव और एक होता है ट्रांसवर्स वेव। तो आपको क्या बताना है कि भाई लाइट क्या होता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, ठीक है, जिसका वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक होता है, ठीक है। चलिए, दो पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब थर्ड पॉइंट देखा जाए, सॉरी सेकंड पॉइंट देखा जाए, सेकंड पॉइंट क्या है, तो सेकंड पॉइंट यहाँ पे है कि व्हेन लाइट फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इट रिफ्लेक्ट द लाइट एंड व्हेन रिफ्लेक्टेड लाइट रीचेज आवर आई देन वी सी द ऑब्जेक्ट। बोल रहा है क्या कि सबसे पहला पॉइंट तो हमने डिस्कस कर लिया कि भाई क्या पहला पॉइंट क्या था कि भाई लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी द ऑब्जेक्ट, ठीक है, लेकिन कैसे, ठीक है, ये तो हमने आपको बता दिया कि भाई लाइट्स हम लोग किसी चीज को देख पाते हैं लेकिन कैसे देख पाते हैं, तो हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं कि हम लोग रिफ्लेक्शन के थ्रू, हम लोग जो है रिफ्लेक्शन के थ्रू हम लोग क्या कर पाते हैं, किसी चीज को हम लोग देख पाते हैं, और थोड़ी देर में हम लोग रिफ्लेक्शन पर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वही है कि भाई कहीं भी ऑब्जेक्ट गिरता है, ठीक है, व्हेन नॉट ऑब्जेक्ट गिरता है, लाइट गिरता है, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, कहीं भी क्या गिरता है, लाइट गिरता है, वो रिफ्लेक्ट करता है और वो हमारे आंखों तक लाइट वहां तक पहुंचता है और हम लोग क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये दो पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। थर्ड पॉइंट क्या है भाई आपका, कि लाइट जो होता है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, याद रखिएगा लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। फिर से लाइट कैसे ट्रेवल करता है, तो लाइट जो होता है
देखिए सबसे पहला पॉइंट कि लाइट क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी ईएमडब्ल्यू है। दूसरा पॉइंट कि भाई लाइट क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, है ना। अच्छा लाइट कौन सा वेव है, तो ट्रांसवर्स वेव है, ठीक है। लाइट वेव है तो कौन सा वेव है, ट्रांसवर्स वेव है। अच्छा उसके बाद चौथा पॉइंट क्या है, ठीक है। चौथा पॉइंट यहाँ पे क्या हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो लाइट होता है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। याद रखिएगा लाइट जो होता है वो कैसे ट्रेवल करता है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि लाइट एलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। यानी इसका जो प्रोपागेशन होता है वो रेक्टिलिनियर होता है, यानी ये सीधा भागता है, ठीक है, सीधा चलता है। लाइट जो होता है ये किस प्रकार से प्रोपागेट करता है, यानी इसका जो प्रोपागेशन होता है वो रेक्टिलिनियर होता है, यानी वो सीधा चलता है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये चारों पॉइंट समझ आ गए होंगे, ठीक है। अच्छा अगला पॉइंट क्या है कि द कॉमन फेनोमेन ऑफ लाइट आर फॉर्मेशन ऑफ शैडो। यानी नॉर्मली लाइट क्या करता है, क्या बनाता है, लाइट के चलते क्या बनता है, शैडो बनता है, यानी छाई, ये परछाई बनती है, ठीक है। और शैडो आपको पता होगा कि भाई शैडो कैसे बनता है, है ना। शैडो कैसे बनता है आपको इसका नॉलेज होगा, ठीक है। तो शैडो कैसे बनता है, तो सिंपल सा आपको इसका नॉलेज होगा कि भाई क्या होता है शैडो, ठीक है। कि भाई मान लो कोई ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे क्या हो गया लाइट, ये आपको ऑब्स्टेकल हो गया, ये मान लो कोई क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया और यहाँ पे क्या हो गया आपका ऑब्स्टेकल हो गया, ठीक है। और लाइट आ रहा है तो यहाँ पे क्या बनता है, शैडो बनता है, ठीक है। या आप ऐसे बोल सकते हो कि अगर लाइट कहीं भी आ रहा है, लाइट कहीं से इधर से मान लाइट आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे कोई ऑब्स्टेकल आ गया, ठीक है, तो जब भी ऑब्स्टेकल आ जाएगा तो एक तरह से क्या होगा, लाइट का जो यहाँ पे जो लाइट का जो पाथ है वो क्या होगा, मतलब उसको डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होता है, आपका परछाई बनता है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि भाई जो शैडो होता है, ठीक है, जो शैडो होता है इसके दो पार्ट्स होते हैं, शैडो के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है अम्ब्रा, ठीक है, और एक होता है पेनुब्रा। याद रखिएगा शैडो जो होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, एक होता है अम्ब्रा और एक क्या होता है पेनुब्रा। जो एकदम डार्क होता है ना, पूरा डार्क, उसको बोलते हैं अम्ब्रा, और जो साइड साइड से जो हल्का होता है ना उसको बोलते हैं पेनुब्रा, ठीक है। तो याद रखिएगा शैडो, शैडो के दो पार्ट्स होते हैं, अम्ब्रा और पेनुब्रा, ठीक है। तो हमने कितने पॉइंट डिस्कस कर लिए, हमने जो है तीन पॉइंट डिस्कस कर लिए और हम लोग चौथा पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि जो कॉमन फेनोमेना होता है वो क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ शैडो, यानी लाइट से क्या बनता है, शैडो बनता है, ठीक है, इमेज बनता है, है ना। देख, और दोनों में डिफरेंस है, याद रहेगा शैडो में और इमेज में क्या है, डिफरेंस है आपका। इमेज क्या है, इल्यूजन, ऑप्टिकल इल्यूजन है, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या है कि भाई तीसरा क्या है, बेंडिंग ऑफ लाइट बाई मीडियम। यानी जब भी लाइट आपका एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो लाइट क्या करता है, बेंड करता है। अगला क्या है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार और फॉर्मेशन ऑफ क्या चीज, रेनबो। यानी ओवरऑल कहा जाए तो सिंपल सी बात है, अगर समराइज किया जाए तो हमने जो है, ठीक है, हमने जो है लाइट में चार मेनली चार चीजों के बारे में डिस्कस करना है, ठीक है। पूरे लाइट में हमको जो है चार चीजों के बारे में क्या करना है, डिस्कस करना है। सबसे पहले क्या डिस्कस करना है, तो ये देखिए ये वाला पॉइंट, यानी सबसे पहले हमको डिस्कस करना है रिफ्लेक्शन के बारे में। सबसे पहला पॉइंट हमको क्या डिस्कस करना है, रिफ्लेक्शन के बारे में। उसके बाद ये वाला जो है ये क्या है आपका, रिफ्रैक्शन, यानी उसके बाद हमको क्या डिस्कस करना है, रिफ्रैक्शन के बारे में, ठीक है। देखिए अभी हम लोग केवल क्लास टेंथ पर फोकस किए हुए हैं, जो आपका क्लास टेंथ का सिलेबस है हम लोग केवल इस पर फोकस किए हुए हैं, और हमारा टारगेट है कि आज हम लोग एक क्लास में पूरा लाइट आपका क्लास टेंथ का लाइट खत्म कर दें, ठीक है। अच्छा ये क्या है आपका, तो ये जो है आपका, ठीक है, ये आपका डिस्पर्सन वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, डिस्पर्सन वाला, इसको बोल देते हैं कि भाई ये जो है आपका डिस्पर्सन वाला कॉन्सेप्ट है, और इसको हम लोग स्कैटरिंग का नाम दे देते हैं, ठीक है, इसको जो हम लोग यहाँ पे स्कैटरिंग का नाम हम लोग यहाँ पे दे देते हैं। यानी आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो आप, कि जो पूरा आपका क्लास टेंथ के में जो लाइट में स्टडी करना है वही यही यही आपका चार टॉपिक है, क्या क्या, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग और डिस्पर्सन। तो ये चार टॉपिक्स अगर आप अच्छे तरीके से कवर कर लेते हो तो आपका जो चैप्टर है वो कवर हो जाएगा। और ओके ना, तो हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे रिफ्लेक्शन से, ठीक है। लेकिन एक बार हम लोग थोड़ा रिविजन कर लेते हैं, अभी तक जो जो हमने किया एक बार उसको रिविजन कर लेते हैं, ठीक है। क्या क्या, पहला पॉइंट हमने आपको क्या बताया कि भाई लाइट क्या होता है, तो फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, याद रखिएगा। दूसरा हमने आपको क्या बताया कि भाई लाइट क्या होता है, तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, ठीक है। कौन सा वेव होता है आपको, तो आपको बता देना है कि भाई लाइट जो होता है एक ट्रांसवर्स वेव होता है, ठीक है। लाइट जो होता है ये कौन सा वेव होता है, ट्रांसवर्स वेव होता है। चौथा कि भाई लाइट जो होता है वो कैसे ट्रेवल करता है, तो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है।
और यूजुअली यानी कॉमन फेनोमेना क्या होते हैं लाइट के, तो फॉर्मेशन ऑफ इमेज, सॉरी शैडो, फिर इमेज फॉर्मेशन, ठीक है, फिर आपका बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट मुड़ जाता है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, ये सब आपके बेसिक होते हैं। अच्छा, और कुछ पॉइंट, कुछ एडिशनल पॉइंट, जैसे लाइट का स्पीड कितना होता है, तो लाइट का स्पीड आपको याद रख लेना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है, लाइट का स्पीड कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और लाइट के स्पीड को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा, और लाइट को मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, यानी लाइट डू नॉट रिक्वायर, लाइट डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल, लाइट को किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, लाइट डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू व्हाट ट्रेवल, यानी लाइट को मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो ये सब बेसिक बातें हैं लाइट के बारे में, आपको जानना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अगर आपको डिटेल में जानना है तो हमने ऑलरेडी ऑप्टिक्स पर एक क्लास दे रखा है, एक पूरा लेक्चर, एक सीरीज बना रखा है, एक बार आप उसको चेक कर लोगे, ठीक है। तो ये सब बेसिक बेसिक बातें हैं, आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। और एक पॉइंट हम यहाँ पे और ऐड करना चाहेंगे कि मान लो कोई भी सरफेस हो गया, ठीक है, मान लो कोई भी क्या चीज हो गया, सरफेस हो गया, और यहाँ पे लाइट अगर गिरेगा, कहीं भी लाइट गिरता है, ठीक है, तो तीन चीजें हो सकती हैं या तीन चीजें होती हैं, या तो वो रिफ्लेक्ट करके मतलब वापस उसी डायरेक्शन में लौट जाएगा, ठीक है, या तो वो नीचे की तरफ आ जाएगा, या तो वो वहीं पे एब्जॉर्ब हो जाएगा, यानी अगर कहीं भी लाइट गिरता है तो या तो वो लाइट आपका रिफ्लेक्ट कर जाएगा, या तो वो रिफ्रैक्ट कर जाएगा, यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चला जाएगा, या तो एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो या तो क्या, कहीं भी लाइट गिरता है तो ये तीन चीजें होती हैं, या तो रिफ्लेक्ट कर जाएगा, या तो आर पार कर जाएगा यानी रिफ्रैक्ट कर जाएगा, या तो एब्जॉर्ब कर जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको यहां तक सारी बातें समझ आ गई होंगी। बेसिक ऑप्टिक्स के बारे में हमने जान लिया, हमने थोड़ा बहुत लाइट के बारे में जान लिया, काफी बेसिक हमने जाना, हम लोग केवल क्लास टेंथ पर फोकस कर रहे हैं, इतना काफी है क्लास टेंथ के एग्जामिनेशन पॉइंट व्यू से, ठीक है। अच्छा, और हमको करना क्या होगा, हमको क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले रिफ्लेक्शन, फिर हमको क्या पढ़ना होगा, रिफ्रैक्शन, ठीक है। अच्छा, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन के अलावा हमको पढ़ना होगा स्कैटरिंग, फिर हमको डिस्पर्सन भी पढ़ना होगा, ठीक है। और हमने लाइट के बारे में आपको हल्का सा बता दिया, बेसिक आइडिया दे दिया आपको कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ट्रांसवर्स वेव है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, इसका स्पीड भी याद रख लीजिएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। अच्छा, सोर्स, लाइट का सोर्स, तो लाइट के तो बहुत सारे सोर्स होते हैं, ठीक है, लेकिन मेजर सोर्स क्या होता है, सन, याद रखिएगा कि जो लाइट का जो मेजर सोर्स होता है वो क्या होता है, सन होता है। सन के अंदर भी एक रिएक्शन होता है जिसका नाम क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, और ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे, जो हम लोग सोर्स ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, आपको समझाएंगे, ठीक है। तो सन के अंदर क्या होता है, एक रिएक्शन होता है जिसका नाम क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, और इसी के चलते क्या होता है, इतना ज्यादा मात्रा में लाइट हमको मिल पाता है, ठीक है। चलिए, खैर, हम लोग तो फर्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया, क्या डिस्कस किया भैया हमने, सबसे पहले हमने डिस्कस कर लिया, क्या डिस्कस किया, लाइट के बारे में, हमने बेसिक जो है लाइट के बारे में थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज गेन कर लिया, ऑल ओके ना। चलिए, अब बात करते हैं पॉइंट नंबर टू की, और पॉइंट नंबर टू क्या है भाई, तो रिफ्लेक्शन, ठीक है, पॉइंट नंबर टू क्या है हमारा, रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन क्या है, सिंपल तरीके से समझा जाए तो कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया आपका, ठीक है, और ये कौन सा ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे हम लोग कंसिडर करके चलते हैं कि भाई मान लो कि ये पॉलिश सर्फेस है, ठीक है, ये क्या है आपका, पॉलिश्ड सरफेस है, ठीक है, और इस पॉलिश सरफेस को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, नाम दे देते हैं मिरर, ठीक है, इस पॉलिश सरफेस को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, मिरर। और मिरर क्या होता है, तो याद रखिएगा सिंपल सा डेफिनेशन है, मिरर इज अ हाईली पॉलिश्ड स्मूथ सरफेस। फिर से मिरर क्या होता है, तो मिरर इज, यहाँ पे देखिए, हाईली पॉलिश्ड स्मूथ सरफेस, उसको क्या बोलते हैं मिरर। होता क्या है कि मान लो ये सोर्स हो गया, यहाँ से लाइट आया, आया यहाँ पे टकराया, और टकरा के वापस उसी डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन नहीं बोल सकते, उसी मीडियम में अगर लौट जाता है ना, उसी मीडियम में क्या हो जाता है, लौट जाता है, तो ये जो पूरा फेनोमेना होता है, इसी फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन, ठीक है, इस फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। फिर से, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ हाईली पॉलिश्ड स्मूथ सर्फेस लाइक अ मिरर, यानी जब भी आपका कोई भी सोर्स हो गया, वहां से लाइट निकला, और वो जो लाइट है आपका, ठीक है, वो कहाँ पे गिरता है, फॉल्स ऑन ए हाईली पॉलिश्ड सर्फेस लाइक मिरर, तो मोस्ट ऑफ द लाइट इज सेंट बैक इन द सेम मीडियम, यानी मोस्ट ऑफ द लाइट, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, मोस्ट ऑफ द लाइट,
यानी पूरा का पूरा लाइट नहीं जाता है लेकिन मोस्ट ऑफ द लाइट यानी अप्रोक्स लाइट चला जाता है उसी मीडियम में चला जाता है। तो ये जो फेनोमेना होता है इसी फेनोमेना को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी यहां से ये कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है, क्या निकल के आ रहा है भाई, कि कभी भी 100% रिफ्लेक्शन नहीं होता है। याद रखिएगा 100% रिफ्लेक्शन, ये पॉइंट नोट जरूर कीजिएगा कि 100% रिफ्लेक्शन नेवर टेक्स प्लेस, ठीक है, 100% रिफ्लेक्शन नेवर टेक्स प्लेस। तो इस पॉइंट का आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि भाई 100% रिफ्लेक्शन हमेशा नहीं होता। क्यों नहीं होता है, क्योंकि कुछ जो मात्रा है ना, ये जो मिरर है आपका, ये कुछ जो है आपका उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हो ड्यू टू एब्जॉर्प्शन, थोड़ा कुछ मात्रा जो है ना लाइट का, क्योंकि लाइट भी क्या एनर्जी है, तो जैसे कहीं भी एनर्जी गिरेगा तो उसको कुछ ना कुछ क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो याद रखिएगा 100% रिफ्लेक्शन कभी नहीं होता है, और उम्मीद है आपको रिफ्लेक्शन भी आइडिया लग गया होगा कि भाई रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है। यहां तक क्लियर, एकदम मस्त, आगे बढ़ा जाए। चलिए अब हमको समझना होगा कि भाई रिफ्लेक्शन तो हमने समझ लिया कि भाई रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है। अब हमको समझना होगा कि जो रिफ्लेक्शन होता है ये दो तरह के होते हैं, ठीक है। क्या होता है रिफ्लेक्शन, जो होता है आपका ये दो तरह के रिफ्लेक्शन होते हैं। एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है, एक होता है कौन सा रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, और दूसरा क्या होता है आपका इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। दो तरह के रिफ्लेक्शन होते हैं, याद रखिएगा, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन, दूसरा क्या है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अगर स्मूथ सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा तो बोलेंगे रेगुलर है, अगर रफ सरफेस से, ठीक है, रफ सरफेस से अगर रिफ्लेक्शन होता है तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे कि भाई इरेगुलर है। अच्छा, अब बात आती है कि भाई बेहतर कौन है, रेगुलर की इरेगुलर, तो बेहतर है याद रखिएगा इरेगुलर, यानी अगर हम लोग किसी चीज को देख पाते हैं तो बिकॉज ऑफ इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। रेगुलर रिफ्लेक्शन से कोई चीज अच्छे से नहीं दिख पाएगा, वो हमको डैजल करेगा, हमको चमकता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो याद रखिएगा इरेगुलर रिफ्लेक्शन के चलते ही हम लोग क्या कर पाते हैं, किसी चीज को देख पाते हैं। तो उम्मीद है आपको रिफ्लेक्शन समझ आ गया होगा, इरेगुलर और रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है ये समझ आ गया होगा, और आपको ये भी आइडिया लग गया होगा कि भाई 100% रिफ्लेक्शन कभी नहीं होता है, ठीक है, 100% रिफ्लेक्शन नेवर टेक्स प्लेस। और आपको मिरर का भी आइडिया लग गया होगा कि मिरर क्या होता है, एक हाईली पॉलिश्ड स्मूथ सरफेस होता है। ये डायग्राम थोड़ा देख लो, ये मान लो कि क्या हो गया, ये मिरर हो गया, और यहाँ पे अगर इस प्रकार का लाइन अगर पैरल जा रहा है, अगर मान लो कि ये जो लाइन है, अगर ये लाइन तीनों और ये तीनों लाइन अगर पैरल है तो समझ लो कि वो रेगुलर है। आसान सा तरीका समझने के लिए, अगर मान लो कि पैरल नहीं, मान लो यहाँ पे लाइट आया इधर चला गया, फिर एक लाइट आया इधर चला गया, एक लाइट आया इधर चला गया, तो अगर पैरल नहीं है, ठीक है, अगर पैरल है तो रेगुलर है, अगर पैरल नहीं है तो क्या है, इरेगुलर। और इरेगुलर के चलते ही हम लोग क्या कर पाते हैं, किसी चीज को देख पाते हैं, ठीक है। और रेगुलर से हम लोग किसी चीज को अच्छे तरीके से दिखता है, लेकिन अच्छे तरीके से नहीं दिखता है, चमकता है वो, ठीक है। चलिए उम्मीद आपको यहां तक समझ आ गया होगा, मिरर भी आपको लग गया होगा आईडी कि मिरर क्या होता है। तो याद रखिएगा मिरर एक हाईली पॉलिश्ड स्मूथ सरफेस होता है। चलिए ये तो समझ आ गई बात हमको, अब हम लोग बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की। तो मान लेते हैं कि भाई हमारे पास क्या हो गया, ये एक मिरर हो गया एक, ठीक है। अच्छा एक बात और ध्यान दीजिएगा, मिरर मेनली तीन तरह के होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका प्लेन मिरर, ठीक है, जो हम लोग तुरंत डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा होता है आपका स्फेरिकल मिरर, और तीसरा होता है आपका पैराबोलिक मिरर, ठीक है। तो मिरर जो होते हैं मेनली तीन तरह के होते हैं, लेकिन हमने जो है इन दोनों पर फोकस करना है, पैरेलल सॉरी प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर पर ही हमने जो है फोकस करना है, ठीक है। तो ये आप समझ लो कि जो जिसका रिफ्लेक्टिंग सर्फेस एकदम प्लेन होगा, है ना, प्लेन होगा तो प्लेन, अगर कर्व होगा तो स्फेरिकल, सिंपल सी बात है। प्लेन अगर उसका जो रिफ्लेक्टिंग सर्फेस है एकदम प्लेन होगा तो बोलेंगे प्लेन मिरर, अगर स्फेरिकल होगा या कर्व टाइप का होगा तो समझ लो कि वो स्फेरिकल मिरर है। मिरर समझ गया आप लोग, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में डिस्कस कर लिया जाए, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये आपका क्या हो गया, मिरर हो गया, ठीक है, लाइट वहां से आया, सोर्स से लाइट आया, टकराया, टकरा के उसी मीडियम में लौट गया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन, ठीक है। अच्छा अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, बीच से एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, बीच से हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। देखिए ये जो रे है इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। ये देखो यहाँ पे लाइट रे आया, आया यहाँ पे टकराया और वापस उसी मीडियम में चला गया, तो ये जो है इसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। ये जो है इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। और ये जहां पे पॉइंट पर टकराया है ना, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। याद रखिएगा इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, बीच से नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। जो लाइन हमने ड्रॉ किया ना यहाँ पे, देखिए लाइन होता है ये,
तो ये जो लाइन होता है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल। याद रखिएगा, ये जो लाइन होता है इसी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल। ठीक है, अच्छा, तो रूल वन क्या है, यानी फर्स्ट लॉ क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ काफी सिंपल है, क्या है भाई, कि आपका जो इंसिडेंट रे है, ठीक है, देखिए ये कौन सा रे था, इंसिडेंट रे, ये क्या था, रिफ्लेक्टेड रे, और ये जो हमने ड्रॉ किया था ये क्या था, नॉर्मल। तीनों जो होता है आपका एक ही बिंदु पर आता है। ठीक है, ये देखो फिर से, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, और ये क्या, नॉर्मल, तीनों जो है एक ही बिंदु पर आता है, ये पहला हो गया लॉ। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा लैंग्वेज में इसको थोड़ा पढ़ लिया जाए कि भाई है क्या। ठीक है, देखिए सिंपल सा है, क्या है भाई, तो इसका स्टेटमेंट है कि द इंसिडेंट रे यानी ये वाला रे, रिफ्लेक्टेड रे यानी ये वाला, एंड नॉर्मल यानी ये वाला। नॉर्मल एक लाइन होता है, याद रखिएगा, नॉर्मल इज अ लाइन, ठीक है, परपेंडिकुलर टू पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये याद रखिएगा, एक लाइन होता है जो इसके परपेंडिकुलर होता है, यानी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के परपेंडिकुलर होता है। और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आपको पता है कि भाई ये जो पॉइंट है इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो ये पहला लॉ था आपका कि भाई तीनों जो होता है एक ही बिंदु पर आएगा। दूसरा क्या होता है कि भाई ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों क्या होता है, बराबर होता है, यानी I इज इक्वल टू क्या, R, है ना, यानी ये जो I होता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये जो होता है इसको बोलते हैं क्या, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी ये जो दोनों होता है दोनों क्या होता है, बराबर होता है। याद रखिएगा, ये होता है I, ये क्या होता है R, और ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होता है, बराबर होता है। इस रे को क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे, इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे, ये क्या हो गया, नॉर्मल। तो ये दो है, दो लॉ होते हैं आपको याद रख लेना है। पहला क्या है कि भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल। दूसरा क्या है कि भाई तीनों एक ही बिंदु पर होगा। और लुके ना, अच्छा दूसरी बात, ये जो लॉ है ना, ये जो लॉ हम लोग पढ़ रहे हैं ये रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए ही एप्लीकेबल है। तो आप बोल सकते हो कि ये रेगुलर रिफ्लेक्शन का ही लॉ है, ठीक है, क्योंकि देखिए हम लोग पढ़ते हैं यूजुअली रेगुलर ही पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन बेहतर कौन होता है, मतलब किसके चलते हम लोग को दिखाई देता है, तो वो होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, दो पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया है ना, क्या क्या डिस्कस कर लिया, रिफ्लेक्शन हमने डिस्कस कर लिया, हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई प्लेन मिरर क्या होता है, सबसे पहला तो वो हमने आपको बता दिया कि जिसका रिफ्लेक्टिंग सर्फेस क्या होगा, प्लेन होगा, इसको ऐसे लिख दिया जाए कि जिसका रिफ्लेक्टिंग सर्फेस है ना, वैसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सर्फेस क्या होगा, प्लेन होगा, उसको क्या बोलेंगे, प्लेन मिरर। याद रखिएगा, जिसका रिफ्लेक्टिंग सर्फेस प्लेन होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्लेन मिरर। ठीक है, अच्छा तो अब हमको समझना होगा कि भाई प्लेन मिरर किस तरह का इमेज बनाता है। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको जानना होगा, समझना होगा कि इमेज क्या होता है। तो आप इसको सिंपल बोल सकते हो कि इमेज क्या होता है, एक ऑप्टिकल इल्यूजन होता है। याद रखिएगा डेफिनेशन यहाँ पे, कि इमेज इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन। ठीक है, इमेज क्या होता है, एक ऑप्टिकल इल्यूजन होता है, यानी इमेज इज एन ऑप्टिकल क्या चीज, इल्यूजन, फॉर्म्ड व्हेनेवर रेज मीट, है ना, फॉर्म्ड व्हेनेवर रेज मीट, ठीक है, और अपीयर टू मीट, जब भी रे आपका, ठीक है, जब भी रे आपका मिलेगा, ठीक है, या लगेगा कि मिल रहा है, तो क्या बनता है, इमेज बनता है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आपको याद रख लेना है कि भाई रे क्या होता, सॉरी इमेज क्या होता है, तो इमेज इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन, फॉर्म्ड क्या चीज, कब बनता है, तो व्हेनेवर रेज एक्चुअली मीट, व्हेनेवर रेज एक्चुअली मीट और अपीयर टू मीट, जब भी रे जो है एक्चुअली मीट करेगा या लगेगा कि मिल रहे हैं, तब क्या बनता है, आपका इमेज बनता है। और इमेज दो तरह के होते हैं, याद रखिएगा, रियल इमेज होता है, दूसरा क्या होता है, वर्चुअल इमेज होता है। ठीक है, और रियल इमेज, इमेज कैसे बनता है, क्या होता है, हमने आपको ऑलरेडी सेपरेट लेक्चर हमने इस पे बना रखा है, एक बार आपको उसको चेक कर लेना है। ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग रिविजन, मतलब हम लोग वन शॉट में कर रहे हैं, तो हम लोग उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, चलिए वापस आते हैं पॉइंट पर कि भाई प्लेन मिरर से किस प्रकार का इमेज बनेगा। तो आपको याद रख लेना है पहला कॉन्सेप्ट, कोई सेम साइज का बनेगा, सेम डिस्टेंस पर बनेगा, ठीक है, वर्चुअल बनेगा, ठीक है, वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा, फिर से सेम साइज का बनेगा, सेम डिस्टेंस पर बनेगा, वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा। वर्चुअल का मतलब जिसको हम लोग स्क्रीन पर ऑब्टेंड नहीं कर सकते हैं, और लैटरली इन्वर्टेड बनेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लैटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है कि लेफ्ट का राइट दिखाई देगा, राइट का आपको लेफ्ट दिखाई देगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक और कंफ्यूजन हो सकता है आपको, अगर इन्वर्जन केवल वर्ड दिख जाता, इन्वर्जन, तो इन्वर्जन का मतलब अलग होता है। इन्वर्जन में क्या होता है, आपका टॉप बॉटम दिखाई देता है, और बॉटम क्या होता है, टॉप दिखाई देता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लैटरल इन्वर्जन होता है, लैटरली इन्वर्टेड, केवल तो लैटरली इन्वर्टेड में क्या होता है कि लेफ्ट आपका राइट दिखाई देगा,
और राइट आपका लेफ्ट दिखाई देगा। फिर से एक बार समराइज कर लिया जाए, क्या क्या होता है इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर, या आप ऐसे बोलो कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय प्लेन मिरर। पहला वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है, सेम साइज का होता है, सेम डिस्टेंस पर होता है, वर्चुअल बनता है, लैटरली इन्वर्टेड बनता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये आइडिया लग गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट यानी डी, सॉरी डी नहीं, अब थ्री पॉइंट नंबर थ्री देखा जाए। हमने वन और टू पॉइंट कवर कर लिए, यानी हमने सबसे पहले लाइट को डिस्कस किया, और लाइट के बाद हमने किसको डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया कि भाई रिफ्लेक्शन को डिस्कस किया। अब हम लोग बात करेंगे स्फेरिकल मिरर को। ठीक है, तो अगर आपको ध्यान होगा तो हमने आपको बताया था कि भाई मिरर जो होता है, ठीक है, मिरर जो होता है मेनली तीन तरह के मिरर होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा मिरर होता है, तो हमने आपको बता रखा है प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, ठीक है, और पैराबोलिक मिरर। और हम लोग बात करेंगे प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर की। प्लेन मिरर हमने समझ लिया, अब बात करते हैं कौन सा मिरर, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर दो तरह के होते हैं, एक होता है कनकेव, दूसरा होता है क्या चीज, कन्वेक्स। याद रखिएगा स्फेरिकल मिरर दो तरह के होते हैं, कनकेव कन्वेक्स। ठीक है, अब देखिए कनकेव और कन्वेक्स कैसे पहचानेंगे, थोड़ा ये हम लोग को आइडिया लेना होगा कि भाई कैसे पहचानेंगे कनकेव और कन्वेक्स। ठीक है, सबसे पहले थोड़ा डेफिनेशन देख लिया जाए कि भाई है क्या स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर इज कर्व्ड मिरर विच इज अ पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर, जो एक हॉलो स्फीयर का पार्ट होता है और दो तरह के होते हैं। इसको आप ऐसे समझो कि मान लो कि एक हॉलो स्फीयर हो गया, इसको आपने इधर से भी कट कर दिया, इधर से भी कट कर दिया, तो ये हो गया आपका बीच में सेंटर होगा ना, बीच में क्या होगा, सेंटर होगा। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं सी। तो अगर ठीक है, अगर इस प्रकार से होगा, यानी देखिए ये जो होता है इस साइड को हमने पॉलिश किया तो उसको हमने बोलते हैं पॉलिश्ड सरफेस, और इधर साइड में पॉलिश नहीं किया हुआ है तो इसको हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, तो आसान सा तरीका समझिएगा, अगर अगर ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है, ये किसकी तरफ है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ है। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ है तो बोलेंगे कनकेव। क्या बोलेंगे, कनकेव। ठीक है, अगर इस तरह का मिल जाए आपको, इस तरह का मिल जाए और इधर ही सेंटर होगा, तो सेंटर की तरफ अगर आपका कौन सा मिल जाए, ये देखिए पॉलिश सरफेस है। ठीक है, ये कौन सा सरफेस है, पॉलिश सरफेस है, तो क्या बोलेंगे, कन्वेक्स। सिंपल सा तरीका है, याद रखिएगा। क्या होता है फिर से, अगर क्या चीज, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ होगा तो कनकेव, सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर पॉलिश सरफेस की तरफ होगा तो कन्वेक्स। ठीक है, चलिए उम्मीद है आपको आइडिया लग गया होगा। और आपको दो तरह के होते हैं स्फेरिकल मिरर, ये भी हमने आपको बता दिया, एक कनकेव दूसरा कन्वेक्स। चलिए कनकेव एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि इज अ स्फेरिकल मिरर, ठीक है, हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड। ठीक है, हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड किधर की तरफ है, लेकिन वो इनवर्ड की तरफ है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है आपका, ठीक है, इसमें जो है आपका, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो जो हमने अभी आपको बताया कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है आपका, ठीक है, सेंटर ऑफ क्या है, कर्वेचर है, इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ होगा, या रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ होगा तो कनकेव है। ठीक है, अगर इस प्रकार से है तो अब क्या है, वो कन्वेक्स। ठीक है, आप इसको ऐसे भी समझ लो, वही बेहतर होगा। चलिए, तो उम्मीद है आपको कनकेव और कन्वेक्स का आइडिया लग गया होगा कि भाई कनकेव और कन्वेक्स क्या होता है। ठीक है, अब थोड़ा डायग्राम देख लिया जाए, तो ये कौन सा मिरर हो गया आपका, ये कनकेव हो गया। ठीक है, ये होता है MN। ठीक है, MN को हम लोग बोलते हैं अपर्चर, एक वर्ड भी ध्यान दीजिएगा, अपर्चर। ठीक है, ये देखिए हम यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पेज ऐड करके समझाते हैं, समझिएगा। ठीक है, देखिए अपर्चर, ये देखिए ये तो हो गया आपका कौन सा हो गया, ये हमने क्या ड्रॉ कर लिया, कनकेव मिरर। क्यों, कैसे पता, तुमको पता है कि भाई अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर होगा, अगर या सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ होगा तो क्या बोलेंगे आपको, उसको बोलेंगे कनकेव मिरर। ठीक है, देखिए ये होता है आपका MN, यानी MN को बोलते हैं अपर्चर, याद रखिएगा अपर्चर। और अपर्चर क्या होता है, तो साइज ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी कितना दूर तक, ठीक है, रिफ्लेक्ट हो सकता है। ठीक है, कितना, मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कितना पोजिशन है रिफ्लेक्ट होने के लिए, तो साइज ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं, अपर्चर। ठीक है, अच्छा इसका जो सेंटर होता है इसको बोलते हैं पोल, तो याद रखिएगा पोल क्या होता है, तुम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं द मिड पॉइंट ऑफ अपर्चर, है ना, मिड पॉइंट ऑफ किसका, अपर्चर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। ठीक है, या उसको मिरर का भी मिड पॉइंट बोल सकते हो। इन दोनों को जो लाइन ज्वाइन करेगा, यानी सी और पी को जो लाइन ज्वाइन करेगा, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, याद रखिएगा, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, प्रिंसिपल एक्सिस। तुम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि द लाइन ज्वाइनिंग, ठीक है, लाइन
ज्वाइन, किसको ज्वाइन करेगा, सी और पी को, सी एंड पी को जो लाइन ज्वाइन करेगा उसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट और यहाँ पे हम ऐड करना चाहेंगे कि कोई भी लाइट रे आएगा यहाँ पे टकराएगा, है ना, कोई भी लाइट रे आएगा टकरा के एक पॉइंट से पास करेगा। ठीक है, कहीं से लाइट रे आएगा, ठीक है, आएगा टकरा के एक पॉइंट से क्या करेगा, पास करेगा, तो ये जो पॉइंट है ना इस पॉइंट को बोलते हैं फोकस। याद रखिएगा इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकस। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम देखो, इस डायग्राम को आप ध्यान से देखो, ये कौन सा मिरर है, ये आपका जो है क्लियर कट कौन सा मिरर, ये कनकेव मिरर है, यानी ये जो है आपका कनकेव है और ये कौन सा है आपका कन्वेक्स है। ठीक है, देखिए एक और आसान तरीका आपको बोल रहे हैं, पहचानने का तरीका बता रहे हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइट रे आ रहा है, ठीक है, लाइट रे आ रहा है और एक पॉइंट से पास कर रहा है, कितना भी लाइट रे आ रहा है एक पॉइंट से क्या कर रहा है, पास कर रहा है। ठीक है, तो कौन सा मिरर हो गया, कनकेव मिरर। तो आप एक आसान तरीका से समझ सकते हो कि अगर रियल फोकस होगा, ठीक है, रियल फोकस होगा तो कनकेव मिरर है, अगर वर्चुअल फोकस होगा, ठीक है, वर्चुअल फोकस होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे कन्वेक्स मिरर। सबसे आसान तरीका, रियल फोकस का मतलब क्या है कि यहाँ पे आ रहा है लाइट अपने आप मिल जा रहा है, टकरा के अपने आप क्या कर जा रहा है, मिल जा रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइट आ रहा है वापस चल जा रहा है, यहाँ पे लाइट आ रहा है और वापस वो लौट जा रहा है, यहाँ लाइट आया वापस लौट गया, लाइट आया वापस लौट गया, तो उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, जबरदस्ती उसको हम लोग मिला रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह का फोकस हो गया तो उसको क्या बोलेंगे, वर्चुअल फोकस। तो याद रखिएगा आसान तरीका, कन्वेक्स मिरर का वर्चुअल फोकस होगा जबकि कनकेव मिरर का रियल फोकस होगा। ठीक है, तो उम्मीद आपको फोकस का आइडिया लग गया होगा कि भाई क्या होता है फोकस, तो कितना भी लाइट आएगा टकराएगा, टकरा के एक पॉइंट से पास करेगा, ठीक है, और जिस पॉइंट से पास करेगा उसको क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं, है ना, इसको क्या बोलते हैं, फोकस। और लुके ना, चलिए अब जो फोकस आपको आइडिया लग गया होगा, आपको अपर्चर पोल ये सब अगर समझ आ गया होगा, तो एक दो पॉइंट और डिस्कस कर लिया जाए, जैसे फिर से एक बार डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका कनकेव मिरर यानी एमएन हो गया, है ना, ये क्या हो गया आपका कनकेव मिरर हो गया, ये हो गया आपका पोल, ठीक है, ये हो गया आपका फोकस, और ये क्या हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसके बीच की दूरी को बोलते हैं स्मॉल एफ यानी फोकल लेंथ होता है, याद रखिएगा फोकल लेंथ बोलते हैं, और ये जो डिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं आर, आर यानी इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, याद रखिएगा आर का मतलब रेडियस ऑफ क्या चीज, कर्वेचर। ठीक है, इसको आप ऐसे ही बोल सकते हो कि भाई एफ क्या होता है, तो पी और एफ के बीच की दूरी है, है ना, स्मॉल एफ क्या है, तो आपका डिस्टेंस बिटवीन पी एंड एफ, यहाँ पे ये पी और एफ के बीच की दूरी है कि नहीं, आर क्या है, तो सी और पी के बीच की दूरी। ठीक है, तो उम्मीद आपको कनकेव मिरर का आइडिया लग गया होगा, मिरर का आइडिया लग गया होगा, भाई मिरर क्या होता है, कनकेव मिरर समझ आ गया होगा, कन्वेक्स मिरर समझ आ गया होगा, इसका आपको ये आइडिया लग गया होगा कि भाई कनकेव मिरर का रियल फोकस होता है जबकि इसका वर्चुअल फोकस होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस किया जाए, है ना, यानी पॉइंट नंबर फोर। पॉइंट नंबर फोर क्या है, तो यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स हैं, हमने आपको बता रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर समझा दिया है, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर हमने समझा दिया, पोल, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, ये हम यहाँ पे एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, ये आपका ये क्या हो गया, ये पूरा अपर्चर हो गया, ठीक है, यानी साइज ऑफ रिफ्लेक्टिंग सर्फेस, ये हो गया पोल, ये हो गया आपका सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया एफ आपका, है ना, और यहाँ से लाइट आएगा आके टकरा के एक पॉइंट से गुजरेगा, यानी उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद फोकल लेंथ हमने आपको बता रखा है कि भाई ये और ये बीच की दूरी यानी पी और एफ के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, एफ बोलते हैं, और सी और पी के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, आर, हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है, है ना। और एक पॉइंट और यहाँ पे जरूरी है आपको बताना कि भाई एफ और आर में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एफ और आर के बीच में रिलेशन देख लीजिएगा, देखिए ये आपको दिख रहा होगा कि भाई ये आपका डबल है और ये क्या है, आधा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि एफ इक्वल टू क्या होता है, आर बाई होता है, याद रखिएगा f इक्वल टू क्या होता है, r बाई टू होता है, और इसको भी हमने डिराइव कर रखा है, एक बार आप उसको भी देख लोगे। ठीक है, चलिए कैसे आता है आप इसको एक बार चेक कर लोगे, तो ये आपको टर्म समझ आ गए होंगे क्या क्या टर्म है, और इसको याद रखिएगा f इक्वल टू r बाई टू। चलिए नेक्स्ट पॉइंट यानी पॉइंट नंबर फाइव ना, चलिए पॉइंट नंबर फाइव से पहले थोड़ा डायग्राम को एक बार देख लिया जाए। देखिए ये आपको आईडी लग गया होगा, भाई ये पोल है, ठीक है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और कोई भी लाइट रे आएगा आके एक पॉइंट से गुजर रहा है ना, तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, फोकस यानी एफ, सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, पी यानी पोल, एफ यानी फोकस। ठीक है, और ये हो गया क्या चीज़, आपका फोकल लेंथ हो गया, और ये क्या हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी आर हो गया। ठीक है, और ये जो पूरा लाइन है आपका, इस लाइन को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। ठीक है, इसका तो आइडिया आपको लग गया होगा कि भाई फोकल लेंथ क्या होता है, पी
चलिए नेक्स्ट यानी पॉइंट नंबर फाइव डिस्कस किया जाए। तो पॉइंट नंबर फाइव क्या है कि भाई कैसे होता है स्फेरिकल मिरर से रिफ्लेक्शन कैसे होता है। तो स्फेरिकल मिरर जब यहाँ पे लिखा गया है यानी दोनों मिरर की बात हो रही है, यानी यहाँ पे कनकेव की भी बात हो रही है और कन्वेक्स की भी बात हो रही है। और हमने आपको बता रखा है कि भाई कनकेव कैसे पहचानेंगे और कन्वेक्स कैसे पहचानेंगे, हमने आपको ये भी ऑलरेडी बता रखा है। ठीक है, चलिए अब कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रूल्स पढ़ा जाए फिर आगे प्रोसीड किया जाएगा, है ना। सबसे पहला रूल पढ़ो यहाँ पे आप, इन अ कनकेव मिरर अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू द फोकस। सिंपल से बात है, बोल रहा है क्या कि कोई भी लाइट रे आएगा टकरा के एक पॉइंट से गुजरेगा यानी फोकस से गुजरेगा। ठीक है, ये हो गया आपका फोकस गुजर रहा है। यहाँ पे देखो लाइट रे तो आया यहाँ पे स्ट्राइक किया लेकिन वापस लौट गया, तो लेकिन हम लोग उसको क्या करेंगे जबरदस्ती कहाँ से पास कराएंगे, फोकस से पास कराएंगे। सिंपल सा रूल है, पहला रूल या तो क्या कि भाई क्या होगा कनकेव मिरर में लाइट रे आएगा टकराएगा कहाँ से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा। ठीक है, और कन्वेक्स मिरर में क्या है कि भाई वो तो भाग जाएगा, यहाँ से आएगा लाइट रे टकराएगा लेकिन वो भाग जाएगा, उसको हम लोग जबरदस्ती कहां से पास कराएंगे, हम लोग उसको फोकस से पास कराएंगे। ठीक है, ये रूल नंबर वन ध्यान रखना आपको। रूल नंबर टू क्या है कि रूल नंबर टू है क्या भैया आपका कि पढ़ते हैं एक बार फिर बताते हैं आपको। देखिए रूल नंबर टू डायरेक्टली आपको समझा देते हैं, ये देखिए ये क्या है आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, ये सी है मान लो और ये आपका एफ है। ठीक है, ये सी है, दूसरा क्या है आपका एफ है। तो अगर सी से पास करेगा ना, ठीक है, ये आप ऐसे बोल सकते हो यहाँ पे कि भाई अगर ये देखो ये डायरेक्टली फोकस से पास करेगा तो एकदम पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस का। सिंपल सी बात है, अगर डायरेक्टली फोकस से लाइट रे आ रहा है तो किसके पैरेलल हो जाएगा, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। पढ़ते हैं थोड़ा लाइन, इन कनकेव मिरर अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ द रिफ्लेक्शन गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, सिंपल सी बात है, ये हो गया कनकेव मिरर, है ना, ये हो गया कनकेव मिरर, ये हो गया आपका फोकस और ये होगा सी। लाइट रे आया डायरेक्टली आएगा फोकस से, मान लो गिर रहा है फोकस से गिर रहा है तो डायरेक्टली पैरेलल हो गया, किसके पैरेलल हो गया इस लाइन के, और लाइन क्या है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, वही काम यहाँ पे, तो यहाँ पे तो लाइट रे आएगा तो भाई भाग जाएगा ना आपका, उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग जबरदस्ती कहाँ से पास कराएंगे, फोकस से पास कराएंगे, है ना, उसको हम लोग क्या करेंगे जबरदस्ती वो कहाँ से पास करेगा, फोकस से पास करेगा। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा वो पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, या इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि भाई यहाँ से लाइट रे आया, ठीक है, और ये तो भाग गया ना, मैंने रिफ्लेक्ट करके यानी डाइवर्ज कर गया, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो। तो उम्मीद आपको ये दोनों रूल समझ आ गए होंगे। चलिए थर्ड रूल क्या है, तो थर्ड रूल काफी आसान है कि अगर अगर क्या सी से गुजरेगा तो सी पर ही लौट जाएगा। सिंपल सा रूल है, अगर सी से देखो फिर से यहाँ पे कौन सा मिरर, कनकेव मिरर, ये हो गया पी, ठीक है, ये एफ और ये क्या चीज सी। ठीक है, तो सी से अगर आएगा तो उसी पर क्या हो जाएगा, लौट जाएगा। तो ये तीन रूल आपको ध्यान में रखने हैं। क्या क्या रूल है, सबसे पहला रूल एक बार शॉर्ट में रिविजन कर लिया जाए, क्या है पहला रूल कि भाई कोई भी लाइट रे है आएगा टकराएगा और फोकस से गुजरेगा। सिंपल सा रूल है, आएगा टकराएगा फोकस से गुजरेगा, लाइट रे आया टकराया फोकस से गुजर गया। ठीक है, यहाँ भी लाइट रे आया लेकिन ये तो भाग गया ना, उसको हम लोग जबरदस्ती क्या करेंगे कहाँ से पास कराएंगे, फोकस से पास कराएंगे, यानी सिंपल सा रूल है। रूल नंबर टू क्या है कि अगर रूल नंबर टू क्या है कि अगर फोकस से गुजरेगा तो वो पैरेलल हो जाएगा, अगर फोकस से गुजरेगा लाइट रे तो वो क्या हो जाएगा पैरेलल, यहाँ लाइट रे आया फोकस से गुजरा, ये एफ है आपका, यहाँ पे बीच में दिख नहीं रहा होगा आपको एफ है, ये पैरेलल हो गया किसके प्रिंसिपल एक्सिस के। और थर्ड क्या है कि भाई सी से आएगा तो सी पर ही लौट जाएगा। ठीक है, सिंपल सा रूल है, सी से आएगा सी पर ही लौट जाएगा। पढ़ते हैं स्टेटमेंट कि इन अ कनकेव मिरर अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी वैसा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम डायरेक्शन, मतलब आएगा उसी पर लौट जाएगा। सिंपल सी बात है, यहां भी वही होगा, आएगा उसी पर लौट जाएगा। ठीक है, चलिए तो उम्मीद आपको ये तीनों रूल समझ आ गए होंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, इमेज फॉर्मेशन करते हैं, है कि नहीं। लेकिन एक रूल और, एक रूल क्या है और डिस्कस कर लिया जाए। हमने आपको ऑलरेडी बता रखा था कि भाई आई इक्वल टू आर, ठीक है, तो मान लो कि डायरेक्टली यहाँ पे डायरेक्टली प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस पर, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस से अच्छा डायरेक्टली मान लो कि वो पोल पर गिर रहा है, ठीक है, तो ये इधर की तरफ भाग जाएगा। तो आपको पता है कि भाई जितना आई उतना क्या आर, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे फ्रेश समझ आएगा आपको, ये कौन सा मिरर, कनकेव मिरर, है ना, तो ये हो गया आपका पोल, ये एफ और ये क्या हो गया सी, तो यहाँ से लाइट अगर डायरेक्टली पोल पर गिर रहा है, ठीक है, तो उसी एंगल से ये इधर आ जाएगा। ठीक है, और हमको पता है कि भाई आई और आर दोनों क्या होता है, बराबर होता है, ये आई दूसरा क्या आर, तो ये रूल आपको ध्यान रखना है। यानी टोटल हमने क्या रूल देखा, चार रूल। तो यहाँ भी क्या होगा, लाइट आएगा वापस इधर की तरफ भाग जाएगा, है ना, यानी आई और आर बराबर होगा। यानी सिंपल सी बात, इसमें क्या है डायरेक्टली पी से गुजरा है, यहाँ पे सिंपल सा रूल है कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है डायरेक्टली पोल से गुजरा है। लाइन पढ़ो आप,
कि इन अ कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर अ रे ऑफ लाइट डायरेक्टेड ऑब्लिकली, ऑब्लिकली का मतलब होता है एक एंगल बना के, ठीक है, एक एंगल से गिरेगा, लेकिन कहां पे गिरेगा, पोल पर, तो वो ऑब्लिकली यानी उसी एंगल पर वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा। यानी चौथा नंबर में हमने पोल पर गिराया, इससे पहले वाले में हमने सी पर गिराया था, है ना, यानी एट सी पर हमने गिराया। अच्छा, और अभी इस पे, यानी इस पे हमने किस पर गिराया था, डायरेक्टली एट पोल पर गिराया था, है ना। और इससे पहले कहां से क्या हो रहा था, इससे पहले हमने देखा कि भाई लाइट आ रहा था तो फोकस से था, है ना, तो एट एफ पर था। अच्छा, और इससे पहले क्या था कि डायरेक्टली वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर गिर रहा था, ठीक है, डायरेक्टली एट रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये चार रूल्स हैं, चार रूल्स आपको ध्यान में रखने होंगे, ठीक है, किसके लिए, इमेज फॉर्मेशन के लिए। चलिए, तो उम्मीद आपको ये पांचों, सॉरी चार रूल्स अगर आपको आइडिया लग गया होगा, तो चलिए अब इमेज बनाया जाए, है ना, यानी पॉइंट नंबर सिक्स डिस्कस किया जाए, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहला केस क्या लिया जाए कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट कहाँ पे, इन्फिनिटी पे है, यानी पता ही नहीं है ऑब्जेक्ट कहाँ पे, यानी कहीं ना कहीं है, दूर है, तो ये क्या हो गया आपका, ये देखिए। अच्छा, हम लोग सबसे पहले कनकेव मिरर डिस्कस कर रहे हैं, फिर कॉन्वेक्स मिरर। तो ये देखिए, थोड़ा गंदा लग रहा होगा आपको, हम इसको अच्छे तरीके से थोड़ा बना के दिखाते हैं। तो ये मान लो कि हो गया आपका कनकेव मिरर, ठीक है, ये MN यानी अपर्चर, है ना, MN यानी क्या चीज, अपर्चर। ये हो गया आपका पोल, है ना, और ये हो गया आपका एफ, ये हो गया सी। लाइट ट्रे जो है वो इन्फिनिटी पर है, इन्फिनिटी से आ रहा है, यानी सोर्स ही इन्फिनिटी पर है। तो क्या होता है, मान लो कि आ रहा लाइट ट्रे, आएगा टकराएगा और वापस, ठीक है, वापस यानी वो लाइट ट्रे आएगा टकराएगा एफ से गुजरेगा, लाइट ट्रे आएगा टकराएगा, कहाँ पे टकराएगा, इस पॉइंट पर टकराया और कहाँ से गुजर गया, एफ से गुजर गया। फिर लाइट ट्रे आ रहा है, टकरा रहा है और कहाँ से गुजर गया, एफ से गुजर गया। यानी सिंपल सी बात है, क्या सिंपल सी बात है कि भाई लाइट ट्रे, यानी अगर ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पर होगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, इन्फिनिटी पर होगा, तो इमेज कहाँ बना, देखो भाई ध्यान से, इमेज कहाँ बना, फोकस पर बना। तो सिंपल सा रूल आपको याद रख लेना है, क्या याद रख लेना है, देखो यहाँ पे कि ऑब्जेक्ट लाइट रे आया, टकराया यहाँ पे, टकरा के कहाँ से गुजरा, एफ से, फिर लाइट रे आया, टकराया, कहाँ से गुजरा, एफ से गुजर गया। यानी इमेज कहाँ बन रहा है आपका, एफ पर बन रहा है। तो आपको इसको सिंपल सा ट्रिक के थ्रू आपको याद रख लेना है, क्या कि अगर ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, तो अगर ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पर होगा, याद रखिएगा, अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, इन्फिनिटी पर होगा। इमेज कहाँ बनेगा भैया, तो यहाँ पे लगा दो कि भाई इमेज जो है आपका वो एट एफ यानी फोकस पर बनेगा। अच्छा, अब बताती कि भाई किस तरह का बनेगा, यानी इसका नेचर बताओ आप, तो याद रखेगा इसका नेचर थोड़ा देख लिया जाए, आपको अच्छे तरीके से आइडिया लग जाएगा। देखिये, ये ऑटोमेटिकली मिल गया, हमने इसको मिलाया नहीं है, ये ऑटोमेटिकली मिल गया, यानी रियल इमेज है, और रियल हमेशा इनवर्टेड होता है, उल्टा होता है, याद रखिएगा, रियल हमेशा उल्टा होता है, ठीक है। और काफी यहाँ पे छोटा इमेज बना है, यानी डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड का मतलब होता है छोटा, यानी यहाँ पे काफी छोटा इमेज बना है, है ना, यहाँ पे जो है इमेज काफी छोटा बना है, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया, आपका नेचर हो गया, क्या हो गया नेचर, रियल होता है, इनवर्टेड होता है और डिमिनिश्ड होता है, काफी छोटा इमेज बनता है, ठीक है। और कुछ बातें यहाँ पे ऐड करना चाहेंगे कि यहाँ पे जो U है आपका वो काफी बड़ा है V से, ठीक है, और जो आपका HO है वो काफी बड़ा है किस, HI से। देखिए, यहाँ पे U का मतलब है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एंड ऑब्जेक्ट तो काफी दूर पर है ना, और इमेज तो इतना ही यही बन गया आपका, है ना, इतना ही दूर है इमेज, लेकिन ऑब्जेक्ट का तो पता ही नहीं है क्योंकि वो तो इन्फिनिटी पर है, ठीक है। और HO का मतलब होता है यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज, ठीक है, HO का मतलब हाइट ऑफ इमेज। तो देखो, काफी छोटा है आपका इमेज, सॉरी ऑब्जेक्ट तो काफी बड़ा है ना, ये देखिए इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है आपका, जबकि इमेज तो बेचारा छोटा है एकदम, ठीक है। तो ये आपको याद रख लेना है, क्या कि अगर ऑब्जेक्ट होगा इन्फिनिटी पे, इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पर, कैसा बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, डिमिनिस्ड बनेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट केस, यानी अगर ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पे हो, सी के पीछे हो, सी के पीछे हो, सिंपल सी बात, देखो ऑब्जेक्ट हो गया आपका ये, यहाँ पे ऑब्जेक्ट, यहाँ से रे निकला, एक रे निकला, गया टकरा और कहां से गुजरेगा, एफ से गुजरेगा। देखिए, इसको पहले आपको यहां पर रफ में बना के दिखा लेते हैं, ठीक है, तब हम इस डायग्राम पर वापस आएंगे। देखिए, ये क्या हो गया हमारा, कौन सा मिरर हो गया, ये हो गया हमारा कनकेव मिरर, है ना, और यहां पे हो गया आपका ये, देखिए ये पी, ये हो गया, सॉरी नॉट पी, ये एफ होगा ना, और ये ना पी होगा, देखिए हमने गलती यहां पर कर दिया। तो यहां पर फिर से डायग्राम ड्रॉ किया जाए, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया एक कनकेव मिरर, ये हो गया P
और ये हो गया हमारा एफ, और ये क्या हो गया हमारा सी। कहां पे रखा है, रखना गया ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, यानी सी के पीछे। चलो हम भी रख देते हैं, इस सी के पीछे हमने क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट को रख दिया, है ना। रूल क्या होता है कि भाई निकलेगा रे, जाएगा, टकराएगा, और कहां से गुजर जाएगा, एफ से। वही यहां पे भी किया गया है, गया, टकराया, और कहां से गुजरा, एफ से गुजरा। ये आपका एफ है, एफ से गुजर गया। फिर क्या होता है, सिंपल सी बात है, इस बार आप क्या करो, इस बार आप सी से गुजारो इसको। तो अभी हमने आपको बताया कि भाई सी से गुजरेगा तो वापस सी पर ही लौट जाएगा, टकराएगा, वापस सी पर ही लौट जाएगा। यानी सी से गया, यहाँ पर ये निकला, वापस सी पर ही क्या हो गया, लौट गया। तो इमेज देखो, यहाँ पे इस पॉइंट पर मिला, यानी इमेज यहाँ बना, है कि नहीं। यानी इमेज कहाँ बना, सी और एफ के बीच में, ठीक है। जो इमेज बना है वो कहाँ बना है, यहाँ पे इमेज बना है, इतना छोटा इमेज बन गया, कहाँ बना, सी और एफ के बीच में। चलिए, तो पहला पॉइंट कि भाई इमेज कहाँ बना, तो सी और एफ के बीच में। दूसरा, किस तरह का इमेज बना है, तो रियल बना है। कैसे पता, तो ऑटोमेटिकली मिल गया है ना, तो रियल इमेज बना है। रियल होता है तो रियल हमेशा क्या होता है, इन्वर्टेड होता है। जो रियल होता है वो हमेशा क्या चीज होता है, इन्वर्टेड होता है, ठीक है। तीन पॉइंट क्लियर कर लिया। अब देखा जाए कि भाई कौन बड़ा, ऑब्जेक्ट बड़ा कि इमेज बड़ा। तो देख रहे हो भाई छोटा है काफी है, और ये काफी बड़ा है, यानी एच ओ काफी बड़ा है ना, एच आई से। अच्छा, जब एच ओ बड़ा है, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बड़ा है, तो ऑब्जेक्ट ऑब्वियस है कि आपकी ऑब्जेक्ट की दूरी भी बड़ी होगी। यहाँ पे देखो ना आप, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है ना आपका, तो ये इतना दूर है आपका, और इमेज यहाँ बना है तो ये इतना दूर है, तो ऑब्वियस है कि भाई ये यू है और ये वी है। यू का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस काफी बड़ा है, जबकि ये तो वी है ना, वी मतलब इमेज डिस्टेंस भी काफी छोटा है। यानी यू जो है आपका वो क्या है, बड़ा है, किससे, वी से। तो ये सब आपको याद रख लेना है। क्या क्या, फिर से एक बार समराइज कर लिया जाए कि अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, सी के पीछे होगा, इमेज कहाँ बनेगा, सी और एफ के बीच में। कैसा बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, ठीक है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बड़ा होगा एच आई से, यू बड़ा होगा किससे, वी से, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट नंबर टू था। चलिए डिस्कस किया जाए थ्री। इस बार ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया है, सी पर ही रखा गया है, ठीक है। चलिए सी पर रख के आपको दिखाते हैं। तो पहले आपको हम यहाँ पर रफ बना के दिखा देते हैं। ये हो गया हमारा कौन सा मिरर, कनकेव मिरर। ये हो गया पोल, ये हो गया एफ, ये हो गया सी। इस बार ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया है, सी पर। चलो हम लोग भी सी पर रख देते हैं। तो रूल क्या होता है, आएगा, जाएगा, टकराएगा, और कहाँ से गुजर जाएगा, एफ से गुजर जाएगा। अच्छा, और एक रूल हमने आपको बताया था कि अगर डायरेक्टली एफ से गुजरेगा तो वो पैरेलल हो जाता है, किसके पैरेलल हो जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। वो जो है आपका डायरेक्टली किसके पैरेलल हो जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस के। यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ से रे गया, टकराया, ठीक है। टकरा के कहाँ से गुजरा, एफ से गुजरा, यानी ये तो हो गया आपका एफ से गुजर गया। यहाँ से सी, यहाँ से ऑब्जेक्ट था ना आपका, यहाँ से रे निकल रहा तो सी से गया, ठीक है, लेकिन किसके पैरेलल चला गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस था इसके पैरेलल चला गया, यानी यहीं पे कट गया, यानी कहाँ पे मिला, एफ, सॉरी सी पर ही मिला, है ना। यानी यहाँ पे देखो, यहाँ पे इमेज बना आपका, तो सी पर ही इमेज बना है। यानी आपको क्या याद रख लेना है कि अगर ऑब्जेक्ट आपका, अगर ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पे है, सी पर है, तो इमेज कहाँ बनेगा, सी पर ही बनेगा। याद रखिएगा, अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, सी पर है, यानी अगर ऑब्जेक्ट आपका सी पर है तो इमेज कहाँ बनेगा, तो याद रखिएगा सी पर ही बनेगा। कैसा बनेगा, तो आप देख सकते हो कि भाई ये दोनों सेम है, है ना, दोनों क्या है आपका, सेम है। यानी आपका एच आई और एच ओ बराबर है, जितना दूरी यू का था उतना ही दूरी वी का है, यानी यू और वी दोनों क्या है आपका, बराबर है। और ऑटोमेटिकली मिल गया है यहाँ पे ऑटोमेटिकली मिल गया है यहाँ पे, तो ये कौन सा हो गया आपका, ये हो गया आपका रियल इमेज है और इन्वर्टेड इमेज है, ठीक है। तो देखिए सबका यहाँ पे ऑलरेडी लिखा भी हुआ है, इसको आप डायरेक्टली देख भी सकते हो, हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो जाए। यहाँ पे देखो आप सिंपल तरीके से, इमेज कहाँ बनेगा, तो सी पर बनेगा। कैसा बनेगा, सेम साइज का बनेगा। कैसा बनेगा, रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा, काम खत्म, ठीक है। इससे पहले क्या था, इससे पहला वाला दिखा देते हैं आपको कि ऑब्जेक्ट कहाँ था, सी के पीछे था, तो सी के पीछे था तो इमेज कहाँ बना था आपका, देखिए सी और एफ के बीच में बना था, डिमिनिश्ड बना था, छोटा बना था, रियल था, इन्वर्टेड था। तो ये क्या हो गया, इसका नेचर हो गया। अच्छा, इससे पहले क्या था, तो इससे पहले था हमारा कि जो ऑब्जेक्ट था आपका वो इन्फिनिटी पर था। ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, इन्फिनिटी पे था, तो क्या क्या हो रहा था, देखो आप यहाँ पे, तो इमेज कहाँ बना था, फोकस पे। कैसा बना था, तो हाईली डिमिनिश्ड। किस तरह का बन रहा था, रियल और इन्वर्टेड, ठीक है। तो सिंपल सा ये है, आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। केस वन हो गया, केस टू भी हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। केस थ्री देख लो, केस थ्री भी हमने डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट केस फोर,
ठीक है, केस फोर क्या है, चलो करके दिखाते हैं आपको पहले रफ पे। यानी ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया, सी और एफ के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, एक मिरर ड्रॉ कर लिया, कद के मिरर, ये एफ ये सी, ठीक है। अच्छा, कहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा गया है, तो इस बार ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखा गया है। चलिए सी और एफ के बीच में रखा जाए, तो यहाँ पे हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट आपका। सेम रूल, लाइट रे जाएगा, जाके टकरा के एफ से गुजरेगा, और ओके ना, एकदम सिंपल सा रूल है। उसके बाद क्या होता है कि एफ से गुजरेगा तो क्या होगा, एफ से गुजरेगा तो पैरेलल हो जाता है, ठीक है। हमने आपको बता रखा है कि एफ से गुजरेगा तो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, किसके पैरेलल हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ पे कट रहा है, यानी यहाँ पे इमेज बन रहा है आपको, है कि नहीं, इमेज कहाँ बन रहा है, सी के पीछे बन रहा है, यहाँ पे सी है तो सी के पीछे बन रहा है। तो देखो इमेज कहाँ बन रहा है, बियॉन्ड सी। कैसा बन रहा है, तो बड़ा बन रहा है, खुद देखो आप, ये छोटा था और ये थोड़ा बड़ा लग रहा है, तो बड़ा बन रहा है। कैसा बन रहा है, रियल और इन्वर्टेड, सही बात है, अपने आप मिल गया है तो रियल है, ठीक है। और इन्वर्टेड यानी उल्टा है, ये ऊपर था ये नीचे है, यानी उल्टा है, तो आपको याद रख लेना ये भी, ठीक है। ये दो डायग्राम है आपको करके दिखाते हैं, ये आपका क्या था, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ से लाइट रे गया, टकरा के कहाँ से गुजरा, एफ से गुजरा, ये एफ है आपका, और उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ से डायरेक्टली गुजरा एफ से, फिर लाइट रे किसके पैरेलल चला गया, आपके ये प्रिंसिपल एक्सिस था इसके पैरेलल चला गया, तो यहाँ पे आपका इमेज बन गया, ये छोटा था ये बड़ा हो गया, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद आपको ये भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट, यानी अगर ऑब्जेक्ट जो है आपका वो कहाँ पे हो, एफ पर हो, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये मान लो एफ है आपका, ये मान लो क्या है, एफ है, ये सी है, लाइट रे जाएगा, जाके टकरा के कहाँ से गुजरेगा, एफ से ही गुजरेगा। देखो करके दिखाते हैं आपको, यहाँ पे ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर, ये एफ, ये सी और ये एफ। देखिए फिर से गलती कर दिया हमने, यहाँ पे पीन होगा। चलिए, तो फिर से ये तो पूरा डायग्राम ही हमने गलत कर दिया है कि नहीं। चलिए फिर से इसको डायग्राम को हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है। चलिए फिर से, लेकिन आपको ये गलतियां नहीं करनी है, ठीक है। देखिए ये क्या हो गया हमारा, ये कॉनकेव मिरर, ये हो गया हमारा पी, फिर से गलत कर दिया, ये होता है एफ, याद रखिएगा, ये होता है सी और ये होता है क्या चीज, पी, ठीक है। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, तो ऑब्जेक्ट को हमको इस बार एफ पर रखना है, ठीक है। तो एफ पे रखा हमने, गया टकरा कहाँ से गुजरेगा, एफ से गुजरेगा, एक काम तो हो गया। दूसरा, यहाँ से रे निकलेगा, जाएगा टकराएगा, कहाँ से गुजरेगा, टकराएगा और कहाँ से वो गुजरेगा, सी से गुजरेगा। तो ये देखो आपका, तो ये जो है इधर का, अगर आप आगे बढ़ाओगे तो इधर का डिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा, लेकिन इधर का जो डिस्टेंस वो क्या होगा आपका, घटेगा। तो उम्मीद है कि इधर तो बनेगा नहीं, इधर तो पीछे की तरफ तो बनेगा नहीं, लेकिन चांस है कि इधर बन सकता है, यानी इधर आके मिल सकता है कहीं ना कहीं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इमेज तो बनेगा, किधर बनेगा, तो इन्फिनिटी पर बनेगा, ठीक है। इमेज बनेगा लेकिन कहां बनेगा, तो इन्फिनिटी पर बनेगा। देखिए फिर से इसको आपको समझाते हैं, थोड़ा हो सकता है कि आपको ना समझ आया होगा, ठीक है। इसको हम जो है फिर से डायग्राम ड्रॉ करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए ये एफ है ना, और ये क्या हो गया आपका सी। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, तो लाइट रे गया टकरा के एफ से गुजरा, ठीक है। और दूसरे बार क्या होगा, यहां से और निकलेगा रे, और कहां से गुजरेगा आपका, वो सी से गुजरेगा। तो इधर की जो डिस्टेंस है ना, वो काफी बढ़ते जाएगा, इधर का डिस्टेंस काफी क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। लेकिन आगे, ठीक है, यानी इधर का चांस है कि भाई ये कहीं ना कहीं जाके आपका आगे कहीं ना कहीं जाके क्या होगा, मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं जाके मिल जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि भाई इमेज तो बनेगा, है ना, और किसका इमेज बनेगा, रियल बनेगा, ठीक है। और रियल बनेगा, इसके साथ साथ कैसा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, लेकिन कहां पे बनेगा ये हमको नहीं पता है। यानी हम लोग बोलेंगे कि भाई इमेज जो है आपका वो इन्फिनिटी पर बनेगा, इमेज कहां बनेगा, इन्फिनिटी पर बनेगा, लेकिन काफी बड़ा बनने वाला है। देखो अब ध्यान से, ये तो छोटा है काफी ना, और ये कहीं भी बनेगा, तो यहीं भी अगर मान लो यहाँ भी बन गया, तो ये काफी बड़ा है। वैसे बनेगा नहीं वहां पे, हमको पता नहीं होता है कहाँ बनेगा, लेकिन इमेज काफी बड़ा बनने वाला है, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा समअप कर लिया जाए, यानी समराइज कर लिया जाए। तो अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, एफ पर रखते हैं, तो इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पर। कैसा बनेगा, तो इनलार्ज्ड बनेगा, और कहाँ, और रियल और इन्वर्टेड बनेगा। देखिए रियल कैसे पता, आपको आसान सा तरीका सिखा रहे हैं, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ ही इमेज बन रहा है, आसान तरीका समझिएगा, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस के टुवर्ड्स अगर इमेज बन रहा है, तो समझ लो कि रियल है, ठीक है। अगर आपका जो है पॉलिश सरफेस की तरफ बनेगा, तो समझ लो कि वर्चुअल है। तो हर बार अभी तक आपने देखा होगा कि भाई ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इधर ही इमेज बन रहा है हर बार, तो इधर इमेज बन रहा है, तो समझ लो कि वो कौन सा इमेज है, रियल इमेज है। आसान सा तरीका समझने का। चलिए अब नेक्स्ट, यानी केस नंबर 6 डिस्कस किया जाए,
अभी देखो, अब यहाँ पे आपको देखते आइडिया लग जाएगा कि भाई ये पॉलिश सरफेस है, ये आपका क्या है पॉलिश सरफेस है और इधर इमेज बना हुआ है, यानी क्लियर कट है कि भाई ये वर्चुअल है ना, और वर्चुअल हमेशा इरेक्ट होता है, ठीक है, इरेक्ट यानी सीधा। अब यहाँ पे क्या है भाई, तो मान लो कि आपका क्या हो गया, कौन सा मिरर, कनकेव मिरर, ठीक है। यहाँ पे इस बार जो है ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया पहले वो समझ लो आप, तो इस बार जो ऑब्जेक्ट को पी और एफ के बीच में रखा गया है, यहाँ देखो आप, इस बार जो ऑब्जेक्ट को पी और एफ के बीच में रखा गया है, चलिए। तो ये हो गया हमारा क्या चीज, ये हो गया हमारा एक कनकेव मिरर, ठीक है, ये हो गया पी, ये हो गया एफ, ये हो गया सी। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया भैया, तो पी और एफ के बीच में, चलो हम भी रख देते हैं यहाँ पे, पी और एफ के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया, यहां से रे निकला, गया टकराया और एफ से गुजर गया, एक काम हो गया। फिर क्या होगा, फिर यहां से रे निकलेगा, जाएगा वापस टकरा के, वो किधर से गुजरेगा, सी से गुजरेगा। तो भाई देख रहे हो यहाँ पे कि जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है काफी बड़ा हो रहा है, लेकिन इसको पीछे की तरफ अगर हम लोग बढ़ाते हैं, ठीक है, तो क्यों बढ़ा रहे हैं पीछे की तरफ, क्योंकि भाई हमको लग रहा है कि भाई यहाँ पे डिस्टेंस काफी कम हो रहा है, ठीक है, तो इधर चांस है बनने का, लेकिन इधर जो डिस्टेंस है वो काफी भाग रहा है, वो दूर भाग रहा है, तो डिस्टेंस दूर भाग रहा है, मतलब दूरी इन दोनों के बीच की दूरी बढ़ रही है, तो भाई मिलने का चांस ही नहीं है, लेकिन इधर मिलने का चांस है, तो इधर इसलिए बढ़ा दिया गया, तो पीछे बन गया, तो पीछे बन गया, तो भाई किस तरह का इमेज बना, तो वर्चुअल बना, है ना। तो सिंपल सा ट्रिक है, क्या ट्रिक है कि भाई अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है पी और एफ के बीच में रहेगा तो इमेज जो है आपका वो वर्चुअल बनेगा, ठीक है। ये देखो ये क्या था, एफ था, ठीक है, यहाँ पे इसको ये एफ मान लो आप, यहाँ पे ये एफ था, और ये तो ऐसी ऑब्जेक्ट हो गया आपका, ये ऑब्जेक्ट था, यहाँ से लाइट रे गया टकराया, है ना, और कहाँ से गुजरा आपका, पहले तो एफ से गुजरा, फिर यहाँ से लाइट रे निकला, है ना, और ये यहाँ से पास किया, तो ये दूरी, ये जो डिस्टेंस है ना, काफी डिस्टेंस बढ़ रहा है, आगे जैसे जैसे बढ़ेगा ये डिस्टेंस बढ़ते जाएगा, तो इधर तो मिलने का चांस नहीं है, तो इसको क्या किया गया भाई, इसको पीछे बढ़ा के देखा जाए, तो पीछे तो मिल गया, तो यानी इमेज पीछे बन गया, यानी किधर बना, आपका जो पॉलिश सरफेस है, यानी पॉलिश सरफेस की तरफ इमेज बना, और हमको पता है कि अगर पॉलिश सरफेस की तरफ इमेज बनता है तो कौन सा इमेज बनेगा, वर्चुअल और इरेक्ट। अब देखो ऑब्जेक्ट छोटा, ये काफी बड़ा, यानी इनलार्ज्ड इमेज बना, और बना कहाँ, मिरर के पीछे बना। तो याद रखेगा कि अगर ऑब्जेक्ट आपका पी और एफ के बीच में रहेगा तो इमेज कहाँ बनेगा, बियॉन्ड द मिरर, सॉरी बिहाइंड द मिरर, और कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा, यानी इनलार्ज्ड बनेगा, वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको यहां तक आइडिया लग गया होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा समराइज कर लिया जाए, ठीक है, समराइज कर लिया जाए। इसका मतलब ये होगा कि छह केस जो अभी तक हमने पढ़ा इसको एक जगह कर लिया जाए, ठीक है, फिर हम लोग कन्वेक्स मिरर वाला स्टडी करेंगे। देखो क्या, केवल यही एक ऐसा केस है, ठीक है, यानी पी और एफ वाला जो केस है, यही एक ऐसा केस है जहां पे आपका जो है वर्चुअल इमेज बन रहा है, बाकी में जो है आपका हर केस में, यानी बाकी के जो पांच केस है वहां जो है आपका रियल इमेज बन रहा है। चलिए केस वन लेते हैं हम लोग कि भाई पी और एफ के बीच में है तो इमेज कहाँ बना, बिहाइंड द मिरर, है ना। अब बिहाइंड द मिरर अगर बन गया ना तो समझ लो कि भैया कैसा है, वो वर्चुअल है, और वर्चुअल हमेशा क्या होता है, इरेक्ट होता है, पाला। सेकेंड क्या था कि भाई एफ पर था, तो एफ पर था तो कहाँ बन रहा था, इन्फिनिटी पर बन रहा था, ठीक है, याद रखिएगा, एफ पर था तो कहाँ बन रहा था, इन्फिनिटी पर, लेकिन रियल बन रहा था, और रियल हमेशा क्या होता है, इन्वर्टेड होता है। अच्छा इसका उल्टा कर लो, अगर इन्फिनिटी पर था, ठीक है, तो एफ पर बनेगा, कैसा था, तो यहाँ भी रियल और इन्वर्टेड था। सी पर था तो सी पर ही बन रहा था, है कि नहीं, यहाँ भी क्या था, रियल था और इन्वर्टेड था, है कि नहीं, रियल था और क्या चीज था, इन्वर्टेड था। अच्छा ये तो हो गए तीन, और दो ना, और दो बचे। अब दो में क्या था, एक था आपका सी के पीछे, है ना, तो उसको भी आपको हम लिख के दिखाते हैं यहाँ पे। एक क्या था आपका, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, तो सॉरी बियॉन्ड यहाँ पे होगा ना, बियॉन्ड सी, तो कहाँ बन रहा था, सी और एफ के बीच में बन रहा था। अच्छा एक क्या था, सी और एफ के बीच में था तो कहाँ बन रहा था, बियॉन्ड सी बन रहा था, है कि नहीं, और दोनों में क्या था, रियल था और इन्वर्टेड था, ठीक है। तो आपको याद रख लेना है क्या क्या, कि अगर ऑब्जेक्ट पी और एफ के बीच में रहेगा तो बिहाइंड द मिरर बनेगा, और बिहाइंड द मिरर यानी वर्चुअल और इरेक्ट, और यही एक ऐसा केस है जहां पे क्या होता है, केवल वर्चुअल इमेज बनता है, कनकेव मिरर में केवल यही एक ऐसा केस है जहां पे वर्चुअल इमेज बनता है। और यहाँ पे आपको आइडिया लग गया होगा कि भाई बड़ा इमेज बनता है, इनलार्ज्ड इमेज बनता है। एफ पर था तो कहाँ बन रहा था, इन्फिनिटी पर,
रियल और इन्वर्टेड था, इन्फिनिटी पर रहेगा तो एफ पर बनेगा। तो आप ऐसे उसको याद कर सकते हो कि अगर एफ पे तो इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पे तो एफ पे, और सी वाला तो आपको याद ही होगा सी पर होगा तो सी पर बनेगा, रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा। और इस केस में क्या था, सब सेम था, यानी सेम साइज का बन रहा था, सेम साइज का सेम डिस्टेंस का बन रहा था। याद रखिएगा यही एक ऐसा केस है, कौन सा केस, यानी सी और सी, यही एक ऐसा केस है जहाँ पे सेम साइज और सेम डिस्टेंस का इमेज बन रहा था। और इसमें क्या था कि अगर सी के पीछे रहेगा तो सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में रहेगा तो बियॉन्ड सी। तो इन दोनों को आप याद करोगे तो, मतलब एक याद करोगे तो दूसरा हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक सारी बातें समझ आ गई होंगी, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या करा, अभी तक हमने आपको बेसिक बताया कुछ चीजें, ठीक है। यानी सबसे पहले हमने क्या करा, सबसे पहले हमने आपको बताया ऑप्टिक्स के बारे में, है ना। ऑप्टिक्स के बाद हमने लाइट के बारे में डिस्कस किया कि लाइट क्या होता है। उसके बाद हमने आपको बताया कि भाई हमने क्या क्या पढ़ना है। तो हमने आपको बताया कि हमको रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन, स्कैटरिंग के बारे में पढ़ना है। फिर हमने रिफ्लेक्शन जाना, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जाना। फिर हमने जाना कि भाई इमेज प्लेन मिरर से किस तरह का इमेज बनता है। फिर हमने स्फेरिकल मिरर जाना, कनकेव कन्वेक्स मिरर समझा। फिर हमने कुछ रूल्स समझे, ठीक है। रूल से पहले हमने जो ये जो टर्म्स थे कि भाई सी क्या होता है, पी क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस फोकस, ये हमने समझा। फिर हमने आपको बताया कि भाई क्या क्या रूल्स होते हैं, ठीक है, रूल्स क्या क्या होते हैं इमेज बनाने के। फिर हमने वो रूल्स स्टडी किए, और रूल्स स्टडी करने के बाद हमने इमेज बनाया, ठीक है। तो इमेज क्या था कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो फोकस पर बन रहा था, ठीक है। फिर हमने आपको बताया यहाँ पे हमने टोटल 6 केस आपको बताए कि भाई अगर सी के पीछे रहेगा तो सी और एफ के बीच में बनेगा, रियल और इन्वर्टेड बनेगा, ठीक है। फिर क्या था कि भाई अगर सी पर रहेगा तो सी पर ही बनेगा, रियल और इन्वर्टेड बनेगा, है ना। तो उम्मीद है आपको इसका भी आइडिया लग गया होगा कि भाई सी और एफ के बीच में होगा तो सी के पीछे बनेगा। फिर क्या था आपका कि अगर एफ पर रहेगा तो इन्फिनिटी पर बनेगा, और हमने आपको यहाँ पे समराइज कर भी दिया सारा, ठीक है, कि भाई पी और एफ के बीच में रहेगा तो बिहाइंड द मिरर, एफ पे रहेगा तो इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी तो एफ पे, सी तो सी पे, है ना। और केवल एक ही ऐसा केस है कि भाई जिसमें आपका वर्चुअल इमेज बनेगा, यानी बियॉन्ड सी, सी और एफ, सी और एफ बियॉन्ड सी, ठीक है। तो उम्मीद आपको यहां तक आइडिया लग गया होगा। अब हम लोग डिस्कस क्या करने वाले हैं, इमेज फॉर्म्ड बाय द कन्वेक्स मिरर, यानी कन्वेक्स मिरर से किस तरह का इमेज बनता है, अब हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं।